वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एमपीजी के। और यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के जो है खनिज जो है उनके क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे ऊर्जा संसाधनों के क्वेश्चन यहाँ पर कम्प्लीट करेंगे। और इस तरीके से जो है सारा का सारा जो है टॉपिक ये कम्प्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ सारे के सारे फैक्ट यहाँ पर कवर किए जाएंगे। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मलाजखंड खनिज उत्पादन से संबंधित है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मलाजखंड की खदान जो है वो काफी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किस जो है खनिज संसाधन से संबंधित है, तो ये तांबे से संबंधित है। किससे संबंधित है? तांबा। अब अगर हम यहाँ पर देख लें तो तांबा जो है, ठीक है, अच्छा ये मलाजखंड जो है किस जिले में पड़ता है ये भी आपको याद रखना है। तो जिला ये हो जाएगा कौन सा? बालाघाट। ठीक है, बालाघाट जिले में जो है ये पड़ता है। साथ ही साथ अब अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ इंपोर्टेंट खनिज उत्पादों से संबंधित क्षेत्र आपको याद रखने हैं, जैसे कि एक आपका हो जाएगा कोयला। कोयला से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो कोयला से संबंधित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सुहागपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सुहागपुर शहडोल। वहीं पर हीरा से संबंधित अगर हम बात करें तो हीरा से संबंधित क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पन्ना। और वहीं पर वॉक्साइट की अगर हम बात कर ले तो वॉक्साइट से संबंधित जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? अमरकंटक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कुछ प्रसिद्ध जो है स्थल है, क्षेत्र है जो कि किसी खनिज से संबंधित है। अच्छा यहाँ पर एक और आपको याद रखना है, वो है पैलेडियम। पैलेडियम जो है मध्य प्रदेश में केवल एक ही क्षेत्र है जो कि इसके लिए प्रसिद्ध है, वो है बैतूल। ठीक है, बैतूल। अच्छा इसके बाद जो है निकल के लिए आपको याद रखना है, निकल के लिए एकमात्र सीधी। ठीक है, और निकल के बाद आपको प्लेटिनम के लिए आपको याद रखना है, प्लेटिनम की अगर हम बात करते हैं तो प्लेटिनम के लिए भी क्या हो जाएगा? बैतूल हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेफाइट के लिए भी बैतूल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रेफाइट की अगर हम बात करेंगे, ग्रेफाइट के लिए भी क्या हो जाएगा? बैतूल हो जाएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जो है क्षेत्र याद रखने खनिज से संबंधित। अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति किस वर्ष जो है घोषित की गई थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति जो है वो 1995 में जो है क्या की गई थी, ठीक है, घोषित की गई थी, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखो मैंने अभी आपको कुछ क्षेत्र बताए थे, ठीक है, संबंधित क्षेत्र खनिजों से। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ग्रेफाइट का, मैंने जो अभी क्षेत्र बताया था वो बताया था बैतूल। तो ग्रेफाइट की जब भी बात की जाए, ग्रेफाइट उत्पादन के लिए कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध है या कौन सा जो है जगह जो है प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है बैतूल। अगला क्वेश्चन, आगर गांव किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि आगर गांव जो है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन जो है प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में कहां से टंगस्टन प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में टंगस्टन जो है वो होशंगाबाद क्षेत्र से जो है क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालमामी किसका खनिज जो है अयस्क। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर, सही क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें कि बालमामी नहीं, ये वुल्फ्राम है। वुल्फ्राम जो है वो किसका जो है खनिज अयस्क है। तो देखो वुल्फ्राम अगर हम बात करें तो ये किसका खनिज अयस्क है, ये टंगस्टन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, टंगस्टन का खनिज अयस्क। अगला क्वेश्चन, देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक, आपको बताना है देश में मध्य प्रदेश कौन कौन से खनिज है जिनका सबसे बड़ा जो है उत्पादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोयला, नहीं तांबा और हीरा, याद रखना तांबा और हीरा इन दोनों के लिए जो है काफी जो है प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा उत्पादक है। हीरा की अगर बात करें तो हीरा की जो खदान है वो हिनोता, हिनोता खदान काफी प्रसिद्ध है, किसकी? पन्ना की, याद रखना। ठीक है, हीरा की। और तांबे के लिए अगर हम बात करें, तांबे के लिए हो जाएगी मलाजखंड, मलाजखंड जो की कहाँ पर है, ठीक है, मलाजखंड जो की बालाघाट में, बालाघाट। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला जो है वो झाबुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें, कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए जो है क्या होता है प्रसिद्ध। अब यहाँ पर डोलोमाइट समझिए, बॉक्साइट और जो है तांबा तो आप जानते हैं, डोलोमाइट क्या होता है पहले तो यहाँ पर समझ लीजिए। डोलोमाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है अपना लोहे को साफ करने के लिए, लोहे को साफ करने के लिए क्या किया जाता है, इसका जो है उपयोग किया जाता है। और अब अगर हम यहाँ पर देख लें तो इन तीनों के लिए कौन सा जो है क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो इन तीनों के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है बालाघाट। ठीक है, ये आपको याद रखना बालाघाट, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें तांबे के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बालाघाट में ये मलाजखंड। ठीक है, अच्छा बालाघाट और छिंदवाड़ा में मैग्नीज भंडार भी सबसे ज्यादा होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, कौन से भंडार? मैग्नीज। अच्छा मैग्नीज भंडार के लिए बालाघाट की एक जो है खदान है जो आपको याद रखना, जिसे कहते हैं भरवेली की खदान। ठीक है, भरवेली की खदान। अच्छा भरवेली की खदान अगर हम बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी फैक्ट याद रखना कि एशिया की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी खुले मुंह की, खुले मुंह की खदान है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देख ले अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादक जिला कौन सा है। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादक जिला जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जबलपुर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादक जिला, तो देखो मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादक जिला मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, एक ही है पन्ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो मतलब कौन सा कोयला क्षेत्र जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में नहीं आता, वो है उमरिया। अच्छा, अब यहाँ पर समझ लो कि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र क्या है और ये सब क्या चीजें। तो कोयला वितरण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक तो हो जाता है मध्य भारत का कोयला क्षेत्र। ठीक है, एक तो मध्य भारत का कोयला क्षेत्र हो जाता है, दूसरा अगर हम यहाँ बात करेंगे तो वितरण में एक दूसरा हो जाता है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ठीक है, अब इन कई कोयला क्षेत्रों में, इन दोनों कोयला क्षेत्रों में कई जो है खदाने हैं, कई छेद हैं। ठीक है, अब इनमें अगर हम बात करेंगे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में, तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में चार जो है छेद हैं। एक इसमें आता है मोहपानी, मोहपानी क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगला अगर हम बात करें तो इसमें अगला क्या आता है, तो अगला आता है अपना शाहपुर, शाहपुर तवा क्षेत्र। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला कौन सा आ जाएगा, अगला आ जाएगा कानन, कानन घाटी क्षेत्र। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके बाद आ जाएगा पेंच घाटी क्षेत्र। ठीक है, तो ये चार जो है क्या है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंदर जो है ये चार क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे मोपानी भी आ गया, कानन भी आ गया, पेंच भी आ गया, लेकिन उमरिया जो है ये सतपुड़ा में नहीं। उमरिया किसमें है, उमरिया है मध्य जो है भारत का कोयला क्षेत्र में। मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, एक तो उमरिया आ जाता है। ठीक है, उमरिया कोयला क्षेत्र। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरे क्या हो जाएगा, सोहागपुर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सोहागपुर। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है सिंगरौली, सिंगरौली। और इसके बाद ये तीनों का इसमें, इसके बाद कोरार क्षेत्र भी आएगा इसमें, और एक और आएगा इसमें, वो है आपका जोहिला नदी क्षेत्र। तो ये जो है ये किसमें आते हैं, मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में, और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में मोपानी, शाहपुर तवा और कान्हा और पेंच। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला अगर हम बात करें कौन सा जिला चूना नगरी के रूप में विख्यात है, अब देखो यहाँ पर पूछा ये गया है कौन सा क्षेत्र जो है चूना नगरी के लिए विख्यात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कटनी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कटनी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे प्रमुख भंडार की दृष्टि से अगर हम बात कर लें तो जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज के लिए सबसे जो है प्रमुख जो जिला है वो कौन सा है, बालाघाट है। ठीक है, बालाघाट। वहीं पर अगर हम देखें जैसे तांबा, तांबा के लिए अगर हम बात करें मलाजखंड बालाघाट, तो तांबा के लिए भी क्या है, ठीक है, मलाजखंड बालाघाट है। वहीं पर अगर हम बात कर लें, ठीक है, चूना पत्थर, तो चूना पत्थर के लिए कौन सा है, चूना पत्थर के लिए जो है, ठीक है, वो है जबलपुर और कटनी। ये आपको याद रखना, जबलपुर व कटनी। और डोलोमाइट अगर हम बात कर लें जिसमें क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, डोलोमाइट के लिए, तो डोलोमाइट की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा छतरपुर, छतरपुर। ठीक है, यूरेनियम की बात कर लें तो यूरेनियम के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो वो है शहडोल, शहडोल। ठीक है, यूरेनियम के बाद आपको याद रखना टिन, टिन के लिए अगर हम बात करेंगे तो टिन के लिए जो हो जाएगा गोविंदपुर, गोविंदपुर क्षेत्र। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके बाद आपको याद रखना है फ्लोराइड, फ्लोराइड के लिए भी क्वेश्चन बन जाता है। देखो ये वो बता रहा हूँ मैं जो आपको याद नहीं रहेंगे। ठीक है, फ्लोराइड, फ्लोराइड यानी जबलपुर। ठीक है, इसके बाद सुरमा भी जबलपुर, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर सुरमा भी जो है जबलपुर हो जाएगा, सुरमा के लिए भी प्रसिद्ध है जबलपुर। फिर अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला आपको याद रखना गेरू, गेरू के लिए जो है सतना प्रसिद्ध। ठीक है, सतना उत्पादक क्षेत्र। और एक और याद रखना सिलेट, सिलेट के लिए मध्य मंदसौर, मंदसौर। ठीक है, अब अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे भारत में सिलेट उत्पादक एकमात्र जिला कौन सा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि वो कौन सा है, मंदसौर है। मध्य प्रदेश का पन्ना शहर किस कारण से प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश का पन्ना शहर जो हीरे की खदान के लिए जो है क्या है, प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा जो है भंडार अगर हम देखें तो किसका है, कोयला, मैग्नीज, डोलोमाइट या फिर जो है तांबा, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबे का सबसे बड़ा भंडार है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये पाया जाता है झाबुआ में। मध्य प्रदेश के उस एकमात्र जिले का नाम बताइए जहाँ यूरेनियम खनिज पाया जाता है। ठीक है, कौन सा खनिज पाया जाता है, यूरेनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहडोल, मैंने भी आपको बताया था यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उत्पादन में चौथा है। ठीक है, और मैग्नीज किस जो है युग की चट्टानों में पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। मैग्नीज जो पाया जाता है वो जो है
आर्कियन युग की चट्टानों में पाया जाता है। देश में मध्य प्रदेश निम्नलिखित खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन कौन से खनिजों का है, तो वह है तांबा और हीरा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपको याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है उमरिया, जो कि किसमें आता है, मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में। ठीक है, मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में, ठीक है, तो जो कि मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में आता है। अगर हम बात करेंगे प्रदेश में निकल किस जो है जिले में पाया जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया था ये पाया जाता है कहां पर, सीधी में। ठीक है, एकमात्र। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो ये आपको याद रखना है चूना पत्थर के उत्पादन में यह है दूसरा स्थान। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर पूछा जाए तांबे की बात की जाए, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कोयले की बात की जाए, ठीक है, तांबे की नहीं, याद रखना किसकी, कोयले की। तो कोयले की अगर बात की जाएगा तो उसके उत्पादन में चौथा है, वहीं पर हम बात करेंगे किसकी, चूना पत्थर के उत्पादन में, तो उसके उत्पादन में दूसरा है। प्रदेश के भरवेली की खदान किस खनिज के लिए, अभी मैंने आपको बताया था भरवेली की खदान जो है वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहां पर है, बालाघाट में। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल ग्वालियर में स्थित नहीं है, ये आपको बताने, देखो यहाँ पर ये पर्यटन स्थल का क्वेश्चन डल गया है, कुजरी महल और जयविलास पैलेस, जहाज महल। अच्छा यहाँ पर देखो कौन सा जो है पर्यटन स्थल जो है जो कि ग्वालियर में स्थित नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जहाज महल। जहाज महल ग्वालियर में ना होगा, कहाँ पर, मांडू में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बोला गया है कि कौन सा जो है खनिज का कौन सा क्षेत्र जो है संबंधित है, देखो तांबे के लिए मैंने बताया था बालाघाट यानी कि दूसरा, फिर चूना पत्थर के लिए कटनी यानी कि पहला, ग्रेफाइट के लिए बैतूल यानी तीसरा, और टंगस्टन के लिए होशंगाबाद यानी चार। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, मतलब ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। कानन घाटी क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो कानन घाटी क्षेत्र जो है किस खनिज से संबंधित है, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर आपको याद रखना है ये कोयला से संबंधित, अभी हमने बताया था, ठीक है, किससे, कोयला से। तो ये तो हुए खनिज से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, किससे, खनिज से। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप ऊर्जा संसाधन से जो है संबंधित क्वेश्चन जो है वो अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे, ऊर्जा संसाधन से संबंधित, जिससे जो है आपके सारे के सारे जो है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट, आई होप कि आप सभी को जो है क्लियर रहा होगा, सब्सक्राइब करें।